आंखों का पहाड़ टूटता है तो हर एक इंसान के लिए काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला पल होता है, और ऐसा ही कुछ अभी रोशन परिवार में भी चल रहा है। दरअसल रोशन परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा, जिसके बाद से हर कोई बस यही उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही बॉलीवुड के सबसे फेमस डायरेक्टर राकेश रोशन का कैंसर ठीक हो जाए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि राकेश रोशन से पहले उनके बेटे और बॉलीवुड एक्टर डांसर हैंडसम हंक ऋतिक रोशन को भी काफी गंभीर बीमारी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं राकेश रोशन के बारे में और साथ ही साथ उनके बेटे ऋतिक रोशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन हैंडसम हंक हैं, वो पूरे देश के, पूरे भारत के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उन्होंने काफी सारे एक्टर्स को अपनी पर्सनालिटी से मात दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन भी बीमारियों से जूझ चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में काफी ज्यादा बीमारियां हो गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन की गंभीर बीमारी के बारे में बताया था। ये बताया था कि उनके पिता को गले का कैंसर यानी कि थ्रोट कैंसर हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन से पहले उनकी बेटी सुनैना रोशन को भी कैंसर हुआ था, और उनके कैंसर में पूरी पूरी मदद ऋतिक रोशन ने की थी। ऋतिक रोशन ने ही अपनी बहन सुनैना रोशन को एक नई जिंदगी दी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन भी काफी सारी बीमारियों से जूझ चुके हैं, यानी कि पिता, बेटी और बेटा ये तीनों ही गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। और आज हम आप सभी को ऋतिक रोशन की बीमारी के बारे में भी बताने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि राकेश रोशन की कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, और ऋतिक रोशन ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन फिर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से ऋतिक रोशन काफ़ी सारी बीमारियों की चपेट में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब बिना देरी किए हमें शुरुआत करनी चाहिए इस प्रोग्राम की, तो फिर आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 8 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने इस बात का खुलासा किया कि उनके पिता और बॉलीवुड के डायरेक्टर राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर हो गया है। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो अपने पिता राकेश रोशन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और फोटो जिम की थी। साथ ही में ऋतिक रोशन ने कैप्शन में लिखा था कि आज उनके पिता की सर्जरी होनी है, कुछ हफ्ते पहले ही पता चला कि उन्हें थ्रोट कैंसर है। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब रोशन परिवार में इतनी गंभीर बीमारी हुई हो। राकेश रोशन से पहले उनके बेटे ऋतिक रोशन और उनकी बेटी सुनैना रोशन को भी काफी गंभीर बीमारी हो चुकी है। जी हाँ, रोशन फैमिली में इससे पहले राकेश की बेटी सुनैना कैंसर से जूझ चुकी हैं, तो वहीं सुनैना को सर्वाइकल कैंसर के साथ 6 और बीमारियां थी। तो वहीं अगर बात की जाए ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन को खुद 21 साल की उम्र में ही स्कोलियोसिस से जूझ चुके हैं। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन खुद 21 साल की उम्र में स्कोलियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं। ऋतिक रोशन को काफी ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई थी। ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी। 21 साल की उम्र में वो स्कोलियोसिस से पीड़ित हो गए थे, जिसमें उनकी रीढ़ अंग्रेजी के शब्द एस जैसी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो एक्टर नहीं बन सकते, ना ही कभी डांस कर सकते हैं। जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान घुटनों के दर्द के कारण डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे। ऋतिक ने इस बीमारी को भी हरा दिया। अग्निपथ की शूटिंग के दौरान उन्हें स्लिप डिस्क हुआ। बैंग बैंग की शूटिंग के वक्त ऋतिक रोशन को क्रॉनिक
सबड्यूरल होमोटोमा जैसी एक गंभीर बीमारी हुई। ये बीमारी ब्रेन के निचले हिस्से में क्लॉटिंग कर देती है, जिसके बाद सर्जरी हुई। लेकिन अब ऋतिक रोशन बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि रोशन परिवार में सिर्फ और सिर्फ राकेश रोशन को ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं हुई, बल्कि ऋतिक रोशन भी 21 साल की उम्र में ही एक गंभीर बीमारी से जूझ चुके थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऋतिक रोशन इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के शब्द एस जैसी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि ना वो डांस कर पाएंगे और ना ही वो कभी एक्टर बन पाएंगे, लेकिन ऋतिक रोशन ने सब चीजों को हरा दिया और आज वो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हंक, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन की, तो आपको बता दें कि सुनैना रोशन ने कई इंटरव्यू में बताया था कि उनका वजन करीब 140 किलो था। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में भाई ऋतिक के कहने पर सर्जरी करवाई थी। इसके बाद उनका वजन 65 किलो हुआ। सुनैना जब राकेश के साथ क्रेजी फोर में साथ काम कर रही थी तो उन्हें काफी ब्लीडिंग हुई थी। बाद में टेस्ट कराने पर पता चला कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है। कीमोथेरेपी के दौरान उनके पूरे बाल झड़ गए थे, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने परेशानी में और ज्यादा खाना शुरू कर दिया था और घर वालों से अलग रहने लग गई थी। कैंसर के अलावा सुनैना को 6 और बीमारियां हो गई थी। इनमें डायबिटीज, फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, स्लिप एपनिया, कार्डियक और 2 कदम चलने पर सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। अब सुनैना पूरी तरह बीमारियों से उभर चुकी हैं। वो डायरेक्शन की फील्ड में एक्टिव हैं और टू डैड विद लव किताब भी लिख चुकी हैं। आपको बता दें कि हम सब यही उम्मीद करते हैं कि राकेश रोशन का कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में ऋतिक रोशन ने एक और जानकारी दी है, जिससे फैंस बेहद ही खुश हो सकते हैं। दरअसल ऋतिक रोशन ने बताया है कि उनके पिता की सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी कामयाब भी हो गई है। वह हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ऋतिक रोशन और उनकी बहन सुनैना रोशन अपनी गंभीर बीमारियों से उभर चुके हैं, उसी तरह से राकेश रोशन के शरीर से भी कैंसर जड़ से कि किस तरीके से रोशन परिवार में बीमारियों का साया पिछले कई सालों से मंडरा रहा है। ऋतिक रोशन, उनकी बहन सुनैना रोशन और अब राकेश रोशन। हम यही उम्मीद करते हैं कि रोशन परिवार पूरा काफी अच्छे से स्वस्थ रहे। वहीं आपको बता दें कि राकेश रोशन के फैंस के लिए तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। ऋतिक रोशन ने इस बात को खुद ही बताया है कि अब उनके पिता राकेश रोशन के गले की सर्जरी हो चुकी है और वो सर्जरी डॉक्टरों के मुताबिक कामयाब हो गई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि राकेश रोशन का कैंसर पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि कैंसर इतनी आसानी से आपके शरीर को छोड़ता नहीं है। लेकिन ऋतिक रोशन ने ये फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है कि डॉक्टरों के मुताबिक उनके पिता राकेश रोशन का जो सर्जरी हुई थी, उनके गले की जो सर्जरी हुई थी, वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का फिलहाल के लिए यही पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड से जुड़ी कई और तमाम मज़ेदार खबरों से मैं आप सभी को इसी तरह रूबरू करवाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।